जय जगन्नाथ गाइस। तो आज है बाहुड़ा यात्रा, यानी कि जो रथ में सवार होकर जगन्नाथ जी गए थे अपने मौसी के घर, आज वो वापस आएंगे। तो उस फेस्टिवल को बोला जाता है बाहुड़ा यात्रा। हम तो मतलब हमारे जगन्नाथ जी वहां पे बैठते, तो हम जय तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हो दूंगा। बाहुड़ा यात्रा की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो आज प्रभु वापस जाएंगे अपने बड़ों देवो, तो वी विल आल्सो डू अ स्मॉल सेरेमनी। तो हम भगवान जी मतलब हम तो यहीं से लेके जहाँ पे वो बैठते वहाँ पे पूजा करेंगे। बट पूरी 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 बोल इसको भूख ज्यादा लगने लगता है। पूरी तो पूरी की जगह पूरी। पूरी धाम में क्या होता है ना, जगन्नाथ जी वापस आके रथ में ही रहते हैं एंड वहाँ पे उनका सुना वैसा होता है, पूरा सोने से उनका श्रृंगार होता है, पूरा वो पहनते हैं अच्छे से, इतना बड़ा मूरत और पूरे सोने से लगते हैं। एक अंगूठी भी शायद 14-15 किलो की होती है। हाँ, अंगूठी तो छोड़, मतलब सुना वैसा होगा। देन वो जाएंगे मंदिर के अंदर, तो पहले बलभद्र जी जाते हैं, देन माँ सुभद्रा। बट जब जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं, उनको नो अलाउंस नथिंग, तो जगन्नाथ जी को माता लक्ष्मी को भेंट करने के लिए जो आप देख रहे हैं ये देना पड़ता है उनको। जगन्नाथ जी को माँ लक्ष्मी रोक लेते हैं क्योंकि वो गुस्सा होते हैं कि आप अकेले चले गए, मुझे लेके लेके नहीं गए, तो वो गुस्सा होते हैं। घरेलू वाली प्रॉब्लम, पति अकेले अपने भाई बहन के साथ में घूम रहा है और अपनी बीवी को लेके नहीं गया, तो बस वही वाली प्रॉब्लम। तो आज भी वो प्रथा जो है वो होता है एंड जो पंडा है ना, मतलब माँ लक्ष्मी की तरफ से एंड जगन्नाथ जी की तरफ से, वो द्वार में खड़े होके वो अपना नोकझोंक चलता चलाता है। देख रहे हैं गाइस, सो ये प्रेजेंट किया जाएगा लॉर्ड की तरफ से, जय जगन्नाथ की तरफ से टू माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी थोड़ा सा खुश हो और उनको अंदर अलाव करें। तो यही होता है। तो रसगुल्ला भोग जो है वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है ताकि वो खुश होके फिर मंदिर में अलाव करते हैं जगन्नाथ जी को। तो ये प्रथा अभी भी चलती आ रही है, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी का ऐसे माना जाता है कि उनका फेवरेट भोग जो है वो व्हाइट कलर का वो जो रसगुल्ला है वो होता है। तो हम भी वही करेंगे, अभी पूजा बस स्टार्ट करेंगे, फूल वगैरह सजाना शुरू कर। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय माँ सुभद्रा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, हरि बोल, जय माता रानी, जय माँ सुभद्रा, जय माता रानी, जय माँ सुभद्रा, जय माता रानी, जय माँ सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय कड़िया, जय कड़िया, चक्का की सब देखो छी, है ना। जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल।
जय जगन्नाथ। होल्ड 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 लाइक दिस बोथ हैंड्स। जय जगन्नाथ। हरि बोल। जय जगन्नाथ। हरि बोल। होल्ड 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 विद योर हैंड। जय जगन्नाथ। हरि बोल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। से कॉल अस टू पुरी, वी वांट टू कम एंड मीट यू देयर एंड डू दर्शन। थैंक यू सो मच। या बिगी, बिग बिग मूर्ति, द बिगी, ही इज सिटिंग देयर हिमसेल्फ। हां, ही इज आल्सो नोन एज कालिया हाथी, द बिग मैन। Lord, see, did not see Chokka Aki. Why? Because he has got big, big round round eyes. Chokka Aki. So he sees everything, but don't say it then. Jai Jai Maa Subhadra Ki. Jai. Jai Jagannath. Jai. चलो नमो नमः। सो गाइज, बाहुड़ा पूजा हमारा हो गया है एंड आप लोगों को जैसे पता है बाहुड़ा के साथ साथ आज है ईद उल आधा, तो आप सबको हमारी तरफ से ईद उल आधा बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ पे हमारे फ्लोर पे हमारे एक सब्सक्राइबर रहते हैं, तो वो हमेशा ईद में हमारे घर कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो जीत सुबह गए थे तो उनके लिए कुछ आधा से नमकीन, कुछ कुकीज़ एंड ये जो अभी ईद के लिए ये सब अभी मिल रहा है, तो फरारो रोसर का ये एक रूअफ़ा ये सब लेके आए। तो पहले मैं इनको पैक करके उनके घर में दे आती हूँ, फिर हम लोग जो भोग लगाए ना वो प्रसाद हम लोग फिर खाएंगे। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? भावड़ा यात्रा की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। मे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री महाप्रभु सब लोगों को ब्लेस करें, अच्छे से करें। और आज के ही पावन अवसर पे सबसे अच्छी चीज ये कि आज ही है ईद उल आधा। So, ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद बेस्ट ऑफ द हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलो डुगू, विल गिव दैट गिफ्ट टू आंटीज हाउस, देन वी विल ईट फूड। ओके, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय माता दी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उनके कान में सुनाई देगा कि गिफ्ट, तो बस आंखें खड़ी, आंखें चौका की हो गई फटाक से। चलो चलो देर। पैकिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है, थोड़ा बहुत अभी करने जा रही हूँ। चलिए, वो पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने किया था, पर सब लोग थोड़ा सो गए थे, तो अभी हनी बनी तो सो ही रहे, मैं उठ के बस ये पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ। तो ज़्यादा तो ऐसे कुछ वगैरह लिया नहीं है, जो बैग्स वगैरह लिए थे तो वही सब अच्छे से पैक कर लूँगी। बाकी और मैंने ऑनलाइन ऑफर्स चल रहे थे ईद ऑफर्स, तो उसमें मैंने और बैग्स कुछ दो ऑर्डर किए थे, ये कोच के ये वाले सेम दो। ये दो ऑर्डर किए थे, बाकी मैंने अपने लिए भी एक ऑर्डर किया है, यही कोच का बैग, बट वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, बाद में होगा शायद। एंड वो जो हमारे नेफ्यू के लिए हम लोग बोल रहे थे, वो तो ऐसा मतलब टॉयज वगैरह ऐसा तो कुछ और लिया नहीं, गेम्स वगैरह कुछ लिया नहीं, वो जाके इंडिया में देखेंगे उसको जो पसंद होगा, क्योंकि पता नहीं ना अभी बच्चे क्या खेलते हैं क्या नहीं। अब हमें उससे मिले हुए भी 6 साल हो गए, जब हनी बनी 6 महीने के थे तब हम लोग मिले थे, तो बस एक कपड़ा लिया, एक स्वेटशर्ट लिया है, वहां पे तो वैसे भी हमेशा ठंडा रहता है, तो एक कल जारा से एक स्वेटशर्ट लिया है ये वाला। बाकी श्रेयु के लिए कुछ लिया है, उसके लिए भी देखिए कुछ टॉयज वगैरह लेने हैं, बट टॉयज वगैरह यहाँ से हम लोग कैरी नहीं करेंगे, फिर टॉयज के बॉक्सेस ना मतलब थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर वो बैग्स में वो करेंगे, तो बस उसके लिए भी अभी टॉयज वगैरह इंडिया से देख लेंगे। तो एक हुडी टाइप का ये एक फ्रॉक है, एंड और भी हमें एक छोटे बच्चे के लिए लेना है, अभी जाएंगे कल एक्चुअली जल्दी जल्दी में फिर वापस आ गए थे, एक ये लिया है। बाकी
ये सब तो जो ये अच्छा आपको दिखाया था ये वाला गैस का एक सेट किया है, तो अभी वो सारा निकाल के मैं पैक करूंगी ये वाला। हाँ, और कुछ ऐसे शर्ट्स लिए हैं, ये एक वाइट में, एक ब्लैक में, एक ब्लू में, तो ये तीन तो हमने लिया है इंडिया लेके जाने के लिए। बाकी तीन जीत को आप देखते हो हमेशा वो फॉर्मल्स ही पहनते हैं, तो उनके फॉर्मल शर्ट्स वगैरह थोड़े बहुत खराब हो गए थे तो वो ले नहीं रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, एनिवर्सरी आ रहा है, एनिवर्सरी का गिफ्ट तो मस्के ले लो, तो उन्होंने तीन शर्ट्स लिए हैं। एक ये वही, वो तो हमेशा व्हाइट पहनते या तो लाइट ब्लू कलर शेड का पहनते, तो दो उन्होंने व्हाइट लिए है एंड एक ब्लू शेड का लिया है। तो बस यही है, तो चलिए गाइस मैं पैकिंग कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रॉली बैग्स हमारे सारे, मतलब ये एक अच्छा है जो अभी मैं इंडिया से मतलब मंगवाया था शिवाजी, उसमें सामान लेके आया था, एंड ये एक अच्छा है जो ब्लू वाला एक है, ये एक अच्छा है। बाकी सारे ट्रॉली बैग सही है, उनके जो व्हील्स है ना वो टूट फूट गए, तो जब सामान भर जाता है ना तो चलने में बड़ा दिक्कत करता है, बहुत नॉइज करता है, टक 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 साउंड करता है। एंड ये वाला बैग तो, ये ब्लैक वाला, ये बिल्कुल नया, लास्ट ईयर जब हम लोग जा रहे थे इंडिया तो मम्मी ने बोला था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बोला था बैग्स के लिए, तो हमने उनके लिए लिया था। एंड उनको बड़ा एंड छोटा चाहिए था, तो उन्होंने रखा मीडियम वाला, हम लोग लेके आए थे। और एक ही बार उसके बाद हम लोग सर्बिया गए थे, ट्रैवल किए थे, उसी में उन्होंने, पता नहीं वो सर्बिया वाले ट्रिप में उन्होंने कैसे उसको फेंका, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कहीं पे ऐसे पटका है या कहीं पे ये लगा है तो ये ऐसे टूट गया, तो इसको तो लेके जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। एक तो फट गया है और कहीं किसी का लग जाएगा ना पूरा छिल जाएगा ये, तो ये नहीं ले सकते हम लोग। जैसे ये वाला बैग है ना, आप देख सकते हो पूरा बिल्कुल आगे से पीछे से बिल्कुल सही है, तो इस टाइप के ना हमारे पास चार बैग्स पड़े हैं जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में है। बस उसका ये देखिए व्हील्स, देखिए ये व्हील्स ऐसे ख़राब हो गए, तो जब ये चलते हैं बिल्कुल लड़खड़ाते ऐसे चलते हैं, नॉइज़ बहुत करते हैं, ऊपर से ये गंदा करते हैं, देखिए पूरा ऐसे गंदे करते हैं, इसीलिए ये सब बैग हम लोग कैरी नहीं कर सकते। ये सारे, ये वाले भी देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, ये सारे बैग्स, ये देखिए उसका वो, ये सब व्हील्स पता नहीं कैसे सब घिस गए हैं, टूट गए, या ऐसे जब फेंकते हैं ना तो ये इसका एक एक टुकड़ा ये सब निकल के चला जाता है, ये तो ये जब चलता है तो ये स्मूथ। कल जो हम लोग गए थे ट्रॉली बैग्स वगैरह देखने के लिए, तो अभी ईद में ऑफर लगाए हैं उन्होंने मतलब मॉल्स में, बट हमें पता है यहाँ पर प्राइस क्या रहता है क्या नहीं रहता है, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को पूरा बढ़ा दिया है, उसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट लगाया, तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं है अभी। एंड है हमारे पास बैग्स, तो फिर भाभी ने बोला, देविका ने बोला कि हमसे एक बैग लो, एक बैग के कम पड़ रहा है तो ले लो एक, फिर क्योंकि ऐसे आपस में जैसे बीच में देविका इंडिया ट्रैवल कर रही थी तो पांच बैग्स उनके हो गए थे और एक बैग चाहिए था, तो वो खरीदने गए थे, फिर हमने बोला कि हमसे ले लो, खरीदोगे क्यों, क्योंकि बैग्स इतने सारे लेने का तो कुछ नहीं, रखना भी तो होता ना, कि इतने बड़े बड़े बैग्स रखने की जगह चाहिए ना। फिर उन्होंने बोला कि, दोनों ने, भाभी ने भी बोला, देविका ने बोला कि बैग्स वगैरह मत खरीदो, जब खरीदोगे एक साथ सेट में जो तीन का सेट आता है उसी टाइप पे खरीदना, ऐसा एक एक जोड़ी मत खरीदो, जो भी जब भी चाहिए होगा हमसे ले लो, हाँ एक साथ जब भी लेना, अच्छा ऑफर जब आएगा तब एक साथ में तीन का सेट लेना। चलो ठीक, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने हनी बन का पैक कर दिया है। हनी बन का मैं कैसे पैक करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि शीन का मेरे पास ये सब, जब मैं मोस्टली शीन से ऑर्डर करती हूँ तो ये वाले बैग्स जो है वो बहुत काम आते हैं, तो उसको मैं रख देती हूँ। तो जैसे उनका तो सब कुछ दो दो होता है, तो वो इधर उधर रखने से ना फिर किसी का कुछ ऊपर रह जाता है, किसी का एक पैंट नीचे रह जाता है, तो फिर दिक्कत होता है ढूंढने में। तो हनी बनी का मैं ऐसा सेट बना देती हूँ, तो इसमें हनी का एक, बनी का एक, मतलब सेम जो कपड़ा है वो एक पैर हो गया, जैसे ये हो गया, इसमें भी दोनों के दो सेम दो कपड़े हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़े का ऐसे बना लेती हूँ कि हाँ। और अगर जो सेट वाले नहीं हो, सपोज मुझे इस पैंट के साथ में ये टी शर्ट उनको पहनाना है, जो अच्छे वाले, जैसे किसी के घर जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, घर वाला तो चलो ठीक है ऐसे भी, बट किसी के घर जाना है कुछ करना है, तो मैं इस पैंट के साथ में चलो मैं ये रेड टी शर्ट पहनाऊंगी, तो उसका मैंने सेट कर दिया है, दो टी शर्ट दो पैंट ऐसे। तो इस टाइप का ना बच्चों का, बड़ों का भी आप कर सकते हो, मैं अपना तो अभी तक नहीं किया, मैं सोच रही हूँ कर दूँ। इसमें ना बहुत स्पेस आपका मतलब कम हो जाता है, स्पेस आपका कंज्यूम करना मतलब बहुत कम कंज्यूम करता है ये देखिए, ये मतलब वो वाले हैं
तो थोड़ा प्रेस कर दो, उसका हवा भी निकल जाता है। वैसे वो जो क्या वैक्यूम बैग्स भी अच्छे होते हैं, पर वैक्यूम बैग से कपड़े निकालने के बाद उसको प्रॉपर प्रेस की जरूरत पड़ती है, और हम लोग तो इतने ट्रैवल करने वाले कि प्रेस वेस का झमेला नहीं। एटलीस्ट बच्चों का तो मैं इतने कपड़े लेके जा रही हूँ, हमारा भले ही कम बट बच्चों का इतने कपड़े लेके जा रही हूँ ताकि मतलब वहाँ पे उनको वॉश करने की और जरूरत ना पड़े। बच्चों का सबका मतलब बच्चों का ऐसे पूरा पैक किया है, तो नॉर्मली मैं इतने कपड़े अगर लेके जाती थी ना तो एक ट्रॉली बैग में उनका आ जाता था, मतलब एक उसमें ऊपर भी एंड ये साइड भी दोनों साइड में भर जाता था। बट मैंने इस बैग में जब मैं भर पैक करती हूँ ना तो ये एक साइड में बहुत अच्छे से पैक हुआ है, एक साइड में मतलब दोनों के अराउंड 12-13 मतलब अराउंड 26-28 पेयर्स जो है वो मैंने रखे हुए कपड़े, मतलब पैंट 26 पैंट्स 26 टी शर्ट्स मैंने ऐसे रखे हुए, तो दोनों के 13-13 जोड़ी ऐसे हो गए। तो ये हो गया पूरा हदी बनेगा, बस इसमें उनका एक मैं फ्लोटर्स वो पहन के जाएंगे, एक मैं लेके जाऊंगी, ज्यादा जूता वूता वगैरह मैं कैरी नहीं करूंगी क्योंकि तो वहां पे मुझे पता है वो फ्लोटर्स ही पहनेंगे हमेशा, अगर जरूरत पड़ा तो वहां पे खरीद लेंगे। तो ये बस उनका जूता रह गया, तो वो वाला पार्ट बिल्कुल खाली है, तो वहां पे जो भी गिफ्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत हमने लिए है वो मैं वहां पे पैक कर देती हूँ। एंड मेरा बैग भी थोड़ा बहुत पैक हो रखा है, वो तो आने जाते टाइम होता रहेगा, जब तक निकलते नहीं हो घर से तब तक पैकिंग चलता ही है, तो वही है। तो आज से मैंने पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो एक हो गया हनी बनी का बैग हो जाएगा, थोड़े बहुत गिफ्ट्स इसमें आ जाएंगे, एक मेरा बैग हो जाएगा, एक जीत का बैग उसमें थोड़े बहुत गिफ्ट्स हो जाएंगे, एंड बाकी हैंड मेड बैग लेके जाएंगे। एंड क्योंकि वहां से आते टाइम भी तो कुछ कुछ सामान लेके आएंगे ना, ऑब्वियसली इंडिया जा रहे थे कुछ कुछ सामान लेके आएंगे, तो एक एक्स्ट्रा छोटा लगेज जो है मैं बैग कैरी करूंगी साथ में, खाली वाला लगेज। विजीत बोल रहे हैं कि ये व्हील्स सारे चेंज कर देंगे, ऐसा चेंज होता है, उतने दिनों से मैं बोल रही हूँ तब नहीं बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि व्हील्स वो व्हील हल्का था वो था तो हो जाता है, जैसे ये वाला अगर बैग मुझे फेंकना है इसका और इसका व्हील सेम सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जो मोची की शॉप होती है ना वहाँ पे होता ही है, इंडिया में तो होता ही है, तो मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया था, अभी भी लोग करते ही है, तो लेटेस्ट ये हो जाए तो फिर हमारे बैग में भी सही है, पता नहीं। तो ये वाला व्हील कहाँ पे लगाओगे बोल रहे हो, इस पे लगाओगे? किसी में भी लगा दूंगा। ये इसमें थोड़ी लगेगा, वो अपना उसका अलग अलग होता होगा ना, ऐसा भी यूनिवर्सल साइज होता है। चलिए जी गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, देखते हैं कि व्हील्स वगैरह ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक किसी से बैग ले लेंगे, बाकी देखेंगे जब जाके कर एक बैग ले लेंगे ना, नहीं किसी से ले लेंगे पर एक साथ फिर अच्छा वाला एक खरीदेंगे सेट वाला। नहीं नहीं ऐसा सोना नहीं होता है ऐसे ऐसे पैकेट में क्यों रखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं तो ऐसे तो होते हैं और क्या होता है। सिंबा तू मत मुझे बता, तेरे पैरों के नीचे व्हील लगा दूं स्केट करता हुआ जाएगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, चलो 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 सो जाओ। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जीत भाई बोल दो खाली, bye, see you in the next episode, stay safe, stay healthy, bye bye bye।